पोको F1 के लिए डरफेस्ट का ऑफिशियल एंड्रॉयड 13 का न्यू अपडेट आ गया है और ये 9 अप्रैल 2023 का बिल्ड है और ये भी जो है आपका एंड्रॉयड 13 QPR 2 पे जैसे कि बेस्ड है सभी अब लेटेस्ट इसी तरीके से ये भी आपका बेस्ड मिलेगा और इसके अंदर काफ़ी चेंजेस मिले हमें यहाँ पे और क्या कुछ रिमूव हुआ है क्या कुछ यहाँ पे परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क पड़ा है नहीं वो सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी थी है तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि ये डरफेस्ट का 9 अप्रैल 2023 का बिल्ड है एंड्रॉइड 13 का सिक्योरिटी पैच मार्च 2023 के अब लेटेस्ट मिल जाती है कर्नल लेकिन काफ़ी अपडेट से हमें रैक्स का सेम वर्जन मिल रहा है यहाँ चेंज नहीं हुआ अभी भी नहीं चेंज हुआ है। बाकी सेलिनक्स स्टेटस इन्फोर्सिंग मिलता है और यहाँ पे क्विक पैनल के अंदर एनिमेशन अच्छा है बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा कि यहाँ पे क्लॉक अब काफ़ी बड़ी देखने को मिल जाती है। पहले का अगर स्क्रीनशॉट देखोगे पहले ऐसा नहीं था काफ़ी बड़ी क्लॉक मिल जाती है और ऊपर जियो लिखा हुआ सामने में राइट साइड में मिल जाता है। इस तरीके का थोड़ा चेंज हुआ है। ब्लूटूथ पॉपअप सेटिंग्स मिलेगा। अगर बात करें एडिट की तो यहाँ पर अगर जाते हैं तो यहाँ पर रीसेट ऑर्डर अब मिल जाता है। पहले 3 डॉट मिलता था उसके अंदर रीसेट में मिलता था तब कुछ इस तरीके का अब लेटेस्ट जैसे कि सिंग हो रहे हैं लेटेस्ट सोर्स पर तो थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है ये कुछ चेंजेस भी मिल रही हैं। टाइल्स में ऐसा और कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पे स्किप टाइमर था वो रिमूव हुआ है। बाकी HEVC का ये ऑप्शन न्यू देखने को इसके अंदर मिल जाता था ये थोड़ा सा यहाँ पे भी चेंज हुआ है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा यानी कि पहले जो है लैग ना के बराबर ही मिलता था बट यहाँ पे थोड़ा सा जिटर अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद हमें क्विक पैनल में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा है कम नहीं हुआ ये चीज़ या फिर ये चीज़ थोड़ा सा बढ़ा हुआ है स्क्रीन रिकॉर्डिंग से जो है थोड़ा सा जिटर हो रहा है। एंड वॉल्यूम पैनल सेम है। वॉल्यूम पैनल में ऐसा कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिला। ऐप ओपनिंग भी बिल्कुल स्मूथ है इसमें भी ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं अच्छे तरीके से ओपन हो रहा है फास्ट ऐप ओपनिंग मिल जा रहा है और रीसेंट भी पूरा हमारा सेम ही मिलता है। अब अगर बात करें यहाँ पे हम वॉलपेपर स्टाइल की तो इसके अंदर हालांकि प्रीव्यू पहले जो है डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर का हमेशा शो करता था अब जो वॉलपेपर सेट करें उसका प्रीव्यू मिल रहा है तो ये चीज़ भी ठीक हुआ है बट नीचे ऐसा और कोई चेंज नहीं मिलता है। बट जो वॉलपेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। एंड प्ले स्टोर बिल्कुल सर्टिफाइड आता है सेफ्टी नेट पास रहेगा बैंकिंग ऐप आराम से आप यूज़ यहाँ पर कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा अपर्चर का ही है कैमरे में कोई चेंज नहीं हुआ है कैमरा बिल्कुल सेम आता है प्री इंस्टॉल और GCam मैनुअली आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर इंस्टॉल कर लेना। Wide 1 L1 का सपोर्ट ये भी हमें देखने के यहाँ पे मिल जाता है और FM की अगर बात करें तो FM बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। गैलरी के अंदर हमें जो है गूगल फोटो के अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज देखने को मिल जाता है इसको लेके कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके लॉन्चर के बारे में तो ऊपर कहीं चेंज तो नहीं मिलता बट यहाँ पे नीचे आप देखोगे सेक फोन टू क्लियर ओल्ड टास्क ये न्यू देखने को यहाँ पे मिल जाता है कि हमारे रीसेंट पे जो भी एप्लीकेशन ओपन है सेक करेंगे तो इनको क्लियर कर देगा। नीचे हालांकि और कोई चेंज नहीं हुआ है जैसे कि हमारा रीसेंट यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ओपन है मैं आपको यहाँ पे करके सेक दिखाता हूँ। वैसे तो काफ़ी अच्छा है जैसे कि मैं यहाँ पे जो है सेक किया देखोगे सभी रीसेंट जो हैं क्लियर हो चुके हैं तो ये काम बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहा है। तो जिनको यूज़ करना होगा तो इनेबल आप कर लेना इसको ये बिल्कुल काम कर रहा है। कॉलिंग के अंदर वॉल्टी काम कर रहा है कैरियर वीडियो कॉल का बग अभी भी हमें मिलता है बाकी वाईफाई कॉलिंग अच्छे से काम कर रहा है। एंड कॉल रिकॉर्डिंग वो भी आपका अच्छे से काम करता है बस अलर्ट कर देता है। बाकी आपका यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर बिल्कुल वर्किंग है तो इन सबको लेके कोई दिक्कत नहीं है। और ब्लूटूथ डिवाइस अगर यूज़ करते हो तो मीडिया कॉलिंग दोनों के अंदर यूज़ कर पाओगे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर हम जाते हैं तो हॉटस्पॉट में हालांकि कोई चेंज नहीं हुआ हॉटस्पॉट काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है 5 GHz तक का उसे बैंड्स मिल जाएगा। कनेक्टेड डिवाइसेस में भी हमारा जो कास्ट है बिल्कुल काम कर रहा है। ऐप्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे पैरेलल स्पेस नीचे मिल जाएगा पहले वाला ही रहेगा पूरा। एंड असिस्टेंट बिल्कुल ये भी वर्किंग है इसको लेके भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो है ऊपर गेम स्पेस मिल जाता है इसकी भी सेटिंग्स हमें सेम मिलती है कोई चेंज नहीं हुआ। बाकी लॉन्चर ऑलरेडी आपको दिखा दिया। डर स्पेस के यहाँ पे जो नीचे जो है एक मैसेज मिलता है ये हर बार आपको चेंज मिलेगा जब भी आप ओपन करके बैक करोगे हालांकि पहले ही हो गया था बट अभी भी बता दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो बैटरी की सेटिंग में थोड़ा इंटरफेस चेंज हुआ है परसेंटेज और इनसाइड परसेंटेज के लिए यहाँ पे जो है टॉगल दे दिया गया ऑन ऑफ करने का पहले अलग था जैसे बैटरी स्टाइल अब 3 ही मिलते हैं पहले कैसा था लैंडस्केप भी था पहले बैटरी का अब नहीं मिलता बैटरी परसेंटेज के लिए इस तरीके से जबकि पहले जो है राइट साइड लेफ्ट साइड के लिए भी मिलता था अब यहाँ पे डायरेक्ट टॉगल दे दिया गया परसेंटेज का शो करने के लिए और इन साइड के लिए यहाँ पे दे दिया गया इस तरीके से पहले ऐसा नहीं था। जैसे साइड में स्क्रीनशॉट आप देख ही रहे होंगे परसेंटेज का कैसा था तो यहाँ पे चेंजेस हुए हैं थोड़े से। एंड क्लॉक एंड डेट की सेटिंग सेम रहेगी स्टेटस बार आइटम्स पूरा सेम रहेगा। अगर बात करें ट्रैफिक इंडिकेटर की तो ये भी सेम है मिसलेनियस के अंदर भी सब कुछ सेम ही है बट यहाँ पे सेपरेट सिग्नल जो दिया गया इसको इनेबल कर लेना तो आपका सिग्नल आइकन शो करने लग जाएगा बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है। वहीं नोटिफिकेशन के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। क्विक सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे QS टाइल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग्स था वो रिमूव हो गया है
और नीचे फिर यहाँ पे बैटरी वाले सेक्शन में बैटरी के लिए सेटिंग्स था जो कि क्विक सेटिंग्स के लिए, तो उसको रिमूव कर दिया गया है। बैटरी एस्टिमेट अब सिर्फ मिलता है। और नीचे जो है फूटर वार्निंग यहाँ पे था वो रिमूव हो गया है। ये कुछ चीज़ें रिमूव हुई हैं। और लॉकिंग यूआई के अंदर आपको फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन न्यू ऐड किया गया है। बाकी और यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है, बाकी सब कुछ सेम ही रहने वाला है। वहीं लॉक शॉर्टकट सेम है, एम्बिएंट डिस्प्ले भी सेम है। सिस्टम के अंदर यहाँ पे जनरल में जो है वॉलपेपर जूम इफेक्ट का ऑप्शन था वो रिमूव हो गया है। कस्टमाइजेशन पूरा का पूरा सेम रहेगा, एडवांस मॉनिटर मिलता है और यहाँ पे भी आइकन वाले जो सभी मिलते हैं सब पहले वाले ही मिल जाते हैं, इनमें किसी में कोई चेंज नहीं हुआ है। और पल्स तो हालांकि पूरा सेम ही मिल जाता है, इस पर ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन पूरा सेम है, नोटिफिकेशन में इस अपडेट में कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पे डेली यूजर्स का जो चार्ट के लिए दिया गया था, डेली यूजर्स चार्ट के लिए बैटरी यूजर्स का, वो रिमूव हुआ है सिर्फ। बाकी और कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, सब कुछ सेम है। अगर बैटरी बैकअप की बात करें 2 आवर 50% ब्राइटनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 87 मिला है। सेम कर्नल भी इसके अंदर और पिछले में भी 87 था, उससे पहले भी, यानी कि लगातार कुछ अपडेट से हमें सेम बैटरी मिल रहा है, बैटरी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर यहाँ ऊपर सेटिंग में कोई चेंज नहीं मिलता है, सब कुछ सेम है। बट वैसे मीडिया में जो है थोड़ा सा चेंज हुआ जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा, बने रहिएगा वीडियो में। बाकी डायरेक्ट साउंड पूरा सेम रहेगा, काम कर रहा है। और डिस्प्ले के अंदर लॉकिंग में जाते तो यहाँ पे जो है एज लाइटिंग ऐड किया गया, एम्बिएंट एज लाइटिंग अब ऐड कर दिया गया, पहले नहीं मिलता था, इसको न्यू ऐड किया गया यहाँ पे लॉकिंग डिस्प्ले के लॉकिंग के अंदर। और बाहर में जाते हो तो यहाँ पे पॉकेट डिटेक्शन ये सब पहले से मिलता था, लाइव डिस्प्ले कलर्स का, तो ये चीज़ें जो है सेम है। बट यहाँ पे जो है लास्ट में डेस्कटॉप मोड न्यू देखने को मिलेगा, जिसमें आप अपने फ़ोन की स्क्रीन डायरेक्ट एक्सटर्नल डिस्प्ले की तरफ दूसरे किसी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो, पीसी या टीवी से एचडीएमआई केबल के थ्रू। ये जो है आपका मिलता है यहाँ पे न्यू। और फिर यहाँ पे जो है वॉलपेपर स्टाइल हो गया, सब ऑलरेडी बता दिया। फिर सिक्योरिटी के अंदर एक चेंज हुआ है, यहाँ पे न्यू ऐड हुआ है डिसेबल फिंगरप्रिंट लॉकआउट का मिल जाता है, जो कि अगर आप गलत ट्राई करते हो, बार बार अटेम्प्ट करते हो 30 सेकंड का, जैसे कि टाइम बता देता है कितने टाइम के बाद अब अनलॉक करोगे, तो ये जो है यहाँ पे अब ऐड कर दिया गया है। बाकी और ऐसा कुछ यहाँ पे चेंज हुआ नहीं है। अगर बात करें फिंगरप्रिंट की तो ये अच्छे से काम कर रहा है। रिफिल इफेक्ट ऑफ कर लेना, सेटिंग में उसे दिया गया है। और फेस अनलॉक आयर फेस अनलॉक का बिल्कुल काम कर रहा है। तो यहाँ पे चेंज जैसे कि वही हुआ है, डिसेबल अगर आप गलत जैसे कि फिंगरप्रिंट डालते हो, अटेम्प्ट करते हो गलत तो लॉक कर देता है। तो ये चीज़ें जो है ऐड हुई हैं सिक्योरिटी में। वहीं सिस्टम के अंदर जेस्चर में जाओगे तो यहाँ पे जो है आपका स्क्रीनशॉट पहले जैसा है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा है। और सिस्टम के अंदर यहाँ पे 2 बटन नेविगेशन रिमूव कर दिया गया, पहले 2 बटन नेविगेशन भी था, अब 3 बटन और जेस्चर से मिलता है, लेकिन इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, 2 बटन रिमूव हुआ है। और नीचे में यहाँ पे जो है क्विक पैनल के नीचे ब्राइटनेस कंट्रोल का एक ऑप्शन था, उसको रिमूव कर दिया गया, जिससे हम ब्राइटनेस स्लाइडर स्टेटस बार पे स्लाइड करके कंट्रोल कर पाते थे, वो रिमूव हो गया है। बटन के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, बटन पूरा सेम रहेगा। यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मिल जाएगा, बाकी डर फेस्ट अपडेटर यहाँ पे नीचे मिल जाता है। और हाइड नोच आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर ही देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें एंटूडे स्कोर की तो 418,783 मिला, पिछले में 426,000 देखने को मिला था। सीपीयू थ्रोलेट यहाँ पे जो है 89% है। वहीं जिप स्कोर देखें तो मैक्स पे 203,000 है, एवरेज स्कोर 191,000 है। पिछला सीपीयू थ्रोलेट 89% ही था और मैक्स पे 225,000 था, एवरेज स्कोर 207,000, तो आसपास सा मिल जाता है। एंड गीकबेंच स्कोर 6 पे टेस्ट किया हो तो सिंगल में 564 है और मल्टी के अंदर 1960 है। पिछला जो है गीकबेंच 5 पे टेस्ट किया था, सिंगल में 566 है, मल्टी के अंदर 2021 देखने को हमें मिला था पिछली बार। और अब यहाँ पे थोड़ा सा मीडिया लेआउट इसका दिखा दो, इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। एंड्रॉयड 14 या लेटेस्ट जो एंड्रॉयड 13 पे जो है QPR 2 पे जो है सिंक हो रहे ज़्यादातर, तो उन पे अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। जो ग्लो सा थोड़ा सा मिल रहा है इसके एनिमेशन यहाँ पे, जब भी हम प्ले पाउज करते हैं तब भी एक बेब सा एनिमेशन मिलता है, ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा अब न्यू मिल रहा है। हालांकि अभी ज़्यादातर में आपको नहीं मिलेगा, कुछ कुछ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि डरफेस्ट पे अभी ये ऐड कर दिया, इस तरीके से एनिमेशन मिल रही है बैब का। बाकी वॉल्यूम स्लाइडर सेम है, अभी भी इसमें लैग होता है थोड़ा सा स्लाइड करने पे, तो ये जो है यहाँ पे लैग करता है। बट वो जो ग्लो सा थोड़ा सा मिल रहा है वहाँ पे इफेक्ट म्यूजिक के प्ले होते हुए, ये न्यू मिल जाता है। और यहाँ पे मीडिया हमारा जो ये गेम स्पेस है ये पूरा सेम रहेगा, इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और गेम की ग्राफिक वो भी आपको पहले वाली ही देखने को मिलती है, तो यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो हम इसके वैसे इसके अंदर स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे ही खेलेंगे। बट अगर परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ इसके अंदर में, तो परफॉर्मेंस जैसे पहले बैलेंस पे मिल रही थी, इसके अंदर परफॉर्मेंस जो बैलेंस पे थी पहले भी, और वही सेम अभी भी मिल जाती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। परफॉर्मेंस अभी भी आपको बैलेंस पे मिलती है। बैटरी काफ़ी अपडेट से जो है सेम मिल रही, बैटरी के अंदर कोई डाउन या अपग्रेड ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। कर्नल भी काफ़ी अपडेट से हमें जो है सेम कर्नल मिल रहा है, सेम वर्जन का मिल रहा है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इस बार जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद थोड़ा सा जो जिटर है, काफ़ी लाइट से जो लैग करता था वो थोड़ा सा जिटर जो है ज़्यादा अभी आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल हैवी तो नहीं है, बट पहले से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब हम यूज़ करेंगे उस टाइम पे थोड़ा जिटर ज़्यादा आप देखने को मिल रहा था, इसका थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ा है।
बट यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें अगर आप देखो तो काफ़ी कुछ ऐड हुआ है, कुछ चीज़ें रिमूव भी हुई हैं, बट बैटरी बैकअप या परफॉर्मेंस में ऐसा कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। तो यही था इस बिल्ड में, इस वीडियो के अंदर। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।